पांडिराज तमिल फिल्म इंडस्ट्री का वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड डायरेक्टर है, जिन्होंने 2009 से शुरू करके अभी तक की कई सारी सक्सेसफुल फिल्में दे चुके हैं। तो दोस्तों, आज मैं डायरेक्टर पांडिराज की बॉक्स ऑफिस का एनालिसिस के बारे में बताने वाली हूँ। तो अगर आप हो डायरेक्टर पांडिराज के फैन तो वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखना और एक लाइक भी देना। तो चलिए इंट्रो के बाद मिलते हैं। नंबर वन, पसंगा। ये 2009 का चिल्ड्रंस कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसको डायरेक्ट किया है पांडिराज ने, और इसमें किशोर, श्रीराम, पांडियान लीड रोल में है। इसमें ब्राइट स्टूडेंट अनबू करसु एक नए स्कूल में एडमिशन लेते हैं, और जब वो सबके दिल जीत लेते हैं तब उसका क्लास का और एक स्टूडेंट जीवानंदम कैसे उसे से जेलसी करते हुए इसमें दिखाई गई है। और इस फिल्म को 3 नेशनल फिल्म अवार्ड मिला है और इसका IMDb रेटिंग मिला 7.6 आउट ऑफ 10 और इसका बजट था 2 करोड़ और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रहा 14 करोड़ और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई। नंबर टू, वामसम। ये 2010 का एक्शन फिल्म है और इसमें अरुणनिधि सुनैना लीड रोल में है। इसमें अनबर अचूक कैसे अपने गांव में दोनों फैमिली के बीच हुआ कॉन्फ्लिक्ट की वजह से फाइटिंग करते हुए इसमें दिखाई गई है और इसका IMDb रेटिंग मिला 6.8 आउट ऑफ 10 और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई। नंबर थ्री, मरीना। ये 2012 का कॉमेडी फिल्म है और इसको डायरेक्ट किया पांडिराज ने और इसमें शिवा कार्तिकेयन ओविया लीड रोल में है। इसमें एक ऑर्फन बॉय कैसे मरीना बीच में खाना बेचकर खुद का पैर ही चलाते हैं वह इसमें दिखाई गई है और इस फिल्म को काफ़ी पॉजिटिव रिव्यू मिला है और इसका IMDb रेटिंग मिला 5.5 आउट ऑफ 10 और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई। नंबर फोर, केडी बिल्ला किला दी रंगा। ये 2013 का पॉलिटिकल कॉमेडी ड्रामा फिल्म है और इसको डायरेक्ट किया है पांडिराज ने और इसमें विमल, शिवा कार्तिकेयन, बिंदु माधवी लीड रोल में है। इसमें दो लफंगे वाले दोस्त कैसे पॉलिटिक्स में शामिल होना चाहते हैं वह इसमें दिखाई गई है और इसका IMDb रेटिंग मिला 5.4 आउट ऑफ 10 और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट साबित हुई। नंबर फाइव, पसंगा टू। ये 2015 का फैमिली कॉमेडी ड्रामा फिल्म है और इसमें निशेष, वैष्णवी, सूर्या, रामलपाल लीड रोल में है। इसमें दोनों फैमिली के बच्चे कवीन और नैना को घर से बाहर निकल दिया जाता है, पर बाद में कैसे एक साइकेट्रिस्ट तमीज ने इन दोनों बच्चों के बाप माँ को समझाता है और फिर दोनों की फैमिली के अंदर कैसे चेंज आते हैं वह इसमें दिखाई गई है और इसका IMDb रेटिंग मिला 7.8 आउट ऑफ 10 और इसका हिंदी डब्ड लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और इसका बजट था 5 करोड़ और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है 54 करोड़ और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई। नंबर सिक्स, इधू नम्मा आलू। ये 2016 का रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है और इसको डेट किया है पांडिराज ने और इसमें सिलम बरसन, नयनतारा, आंडिया जेरेमिया लीड रोल में है। इसमें शिवा और माल्या एक दूसरे से पसंद करते हैं और फैमिली के मुताबिक इन दोनों का शादी होता है, पर बाद में कैसे पिछले लव अफेयर की वजह से इन दोनों के बीच में प्रॉब्लम क्रिएट होता है वह इसमें दिखाई गई है और इसका IMDb रेटिंग मिला 5.4 आउट ऑफ 10 और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एवरेज निकला। नंबर सेवन, कथकली। ये 2016 का एक्शन थ्रिलर फिल्म है और इसको डायरेक्ट किया है पांडिराज ने और इसमें विशाल, मधुसूदन राव और कैथरीन ट्रेसा लीड रोल में है। इसमें आमोद हवेल USA से इंडिया वापस आते हैं अपने गर्लफ्रेंड से शादी करने के लिए, पर बाद में वो कैसे गैंगस्टर को मर्डर करने के केस में फंस जाते हैं वह इसमें दिखाई गई है और इसका हिंदी डब्ड है खेल पावर का नाम से, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और इसका IMDb रेटिंग मिला 6.5 आउट ऑफ 10 और इसका बजट था 15 करोड़, इंडियन कलेक्शन है 20 करोड़ और वर्ल्डवाइड कलेक्शन है 25 करोड़ और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई। नंबर एट, कादाई कुत्ती सिंघम। ये 2018 का तमिल एक्शन ड्रामा फिल्म है और इसको डायरेक्ट किया है पांडिराज ने और इसमें कार्थी, सायशा, अर्थनबीनू लीड रोल में है। गुना सिंघम ने कई सारी गलत फहमी से जाने के बावजूद भी अपनी फैमिली को इकट्ठा करने की कोशिश करते हुए इसमें दिखाई गई है और इसका IMDb रेटिंग मिला 6.9 आउट ऑफ 10 और इसका बजट था 25 करोड़ और इसका इंडियन कलेक्शन है 58 करोड़ और इसका वर्ल्डवाइड कलेक्शन है 72 करोड़ और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई। नंबर नाइन, नम्मा वेट्टू पिल्लई। ये 2019 का एक्शन ड्रामा फिल्म है और इसको डायरेक्ट किया है पांडिराज ने और इसमें शिवा कार्तिकेयन, अनु इमानुएल और ऐश्वर्या राजेश लीड रोल में है। इसमें एक भाई को फंसा कर कैसे उसकी बहन के साथ एक क्रिमिनल की शादी करवाए जाते हैं वह इसमें दिखाई गई है और इसका IMDb रेटिंग मिला 6.2 आउट ऑफ 10 और इसका बजट था 40 करोड़ और इसका इंडियन कलेक्शन है 62 करोड़ और इसका वर्ल्डवाइड कलेक्शन है 76 करोड़ और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट साबित हुई। नंबर टेन, केडी बिल्ला किला दी रंगा टू। ये अपकमिंग पॉलिटिकल कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसको डायरेक्ट करी है पांडिराज ने और इसमें सत्या राज, प्रकाश कुमार, राज किरण लीड रोल में होंगे और इसमें पहले की तरह कॉमेडी ट्विस्ट के साथ पॉलिटिकल इशू को दिखाया जाएगा।
तो दोस्तों आप इस अपकमिंग फिल्म के लिए कितना एक्साइटेड है कमेंट करके बताना, और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी कमेंट करके बताना। तो दोस्तों ये रहा डायरेक्टर पंडितराज की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन एनालिसिस के बारे में। इन सब फिल्मों से कौन सी फिल्म आपको अच्छी लगी कमेंट करके बताना, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, और सबके बॉलीवुड साउथ इंडियन न्यूज़ अपडेट पाने के लिए मैशन चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना।